Assalamualaikum स्टूडेंट, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे यकीन है कि आप लोग फिट होंगे, खैरियत से होंगे। आज जो बेटा हमने चीज सीखनी है वो है कार्बोकेटाइन की स्ट्रक्चर है। इट्स विल बी वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर। सो आज हमने स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकेटाइन जो है वो डिस्कस करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आपको बताते जाऊं कि जो कार्बोकेटाइन है it shows many reactions. It can be prepared through many reactions, but stable जो हम prepare करते हैं वो दो तरीकों से करते हैं, in solution form and दूसरा है हमारे पास सम केसेस होते हैं एज सॉलिड सॉल्ट्स। कार्बोकेटाइन शोज मेनी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस थ्रू विच इट कैन बी प्रिपेयर्ड रिएक्ट विद अदर स्पीशीज। लेकिन जो बेटा हम इनके स्टेबल जो प्रिपेयर करते हैं, स्टेबल रिएक्शंस जो हैं इनके, वो होते हैं इन सॉल्यूशन। और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें हम कहते हैं कि वो एज ए सॉलिड सॉल्ट्स के तौर पर प्रिपेयर करते हैं। सॉल्यूशन केस में और इसमें क्या फर्क होता है? इसमें बेटा कार्बोकेटाइन फ्री होता है, फ्री फॉर एनी टाइप ऑफ कंडक्शन, एंड दिस इज हैपन व्हेन द सॉल्वेंट इज पोलर, क्योंकि उसका नेगेटिव और पॉजिटिव पार्ट जो है सेपरेट हो जाएंगे। और जब हमारा नेगेटिव पार्ट लीव कर जाएगा तो कार्बोकेटाइन जो बनेगा तो वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, जिसको हम कहते हैं, तो वो फ्री होगा। वो कब होगा? मैंने कहा जब पोलर सॉल्वेंट होगा, क्योंकि पोलर सॉल्वेंट में ही ये एबिलिटी है कि उसके आयंस को लदर लदर करे और उसको आयनिक फॉर्म में लदर करके रखे। अगर हम बात करते हैं सॉलिड सॉल्ट्स की, इट विल हैपन ऑयन पेयर्स लाइक। अब ऑयन पेयर्स की अगर हम बात करें, ये इस केस में कार्बोकेटाइन फ्री नहीं होता, कार्बोकेटाइन नॉट फ्री। क्या होता है? इट इज एसोसिएटेड विथ नेगेटिवली चार्ज्ड जिसको हम उसका काउंटर ऑयन भी बोल सकते हैं, उसको हम गैगनियन वो भी बोल सकते हैं ये, या काउंटर आयन उसका उलट, यानी कि कार्बोकेटाइन यानी कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो एसोसिएट होता है, यानी कि मिला होता है किसके साथ? वो मिला होता है अपने काउंटर आयन के साथ। और ये कब होता है? जब सॉल्वेंट स्टूडेंट्स हमारे पास होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट, क्योंकि अब यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट इकट्ठे पड़े हुए हैं तो नॉन पोलर सॉल्वेंट हम यही कहते हैं कि उसको आयनाइज नहीं कर सकता, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है इनका। अब हम इनको स्ट्रक्चर वाइज अगर बयान करें तो कार्बोकेटाइन का बेटा जो स्ट्रक्चर है कार्बोकेटाइन स्पेसिफिकली टर्शियरी ब्यूटाइल केटाइन जो है बेटा, उसका स्ट्रक्चर एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक से जो है वो ऑब्टेन किया गया, वो हमारे पास कुछ इस तरह से होता है। लुक एट दिस, आप इसको ऐसे करके भी देख सकते हैं, अगर ऐसे नहीं तो इस तरह करके भी देख सकते हैं। लेकिन जो एक्चुअल में हमें ऑब्जर्वेशन हुई जब हमने इसका एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक जो है वो स्ट्रक्चर ऑब्टेन किया बेटा, वो कुछ इस तरह से हमें जो है वो मिलता है। ये सेंट्रल जो है वो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन, और ये उसके साथ जो अटैच्ड ग्रुप्स हैं, ये है टर्शियरी ब्यूटाइल कैटायन का स्ट्रक्चर जो हमें एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक जो है वो वे से हमें मिला।
उसके बाद बेटा अगर हम बात करें तो हम का जो है वो इसका गैस फेज में जो है वो ये इसका आईआर स्पेक्ट्रा भी हम जो है वो लेते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल कैटायन का, तो वहां से हमें स्ट्रक्चर वैसे ही जो है वो ऑब्टेन करने को जो है वो मिलता है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें कि कार्बोक्रिटाइन को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, वो तो हमने कहा ना कि इस केस में प्रिपेयर कर सकते हैं और इस केस में सुटेबल है। अब हम उसको थ्री डिफरेंट वे से आज मैं आपको सिखाऊंगा कि हम किस तरह उसको प्रिपेयर करते हैं, फ्रॉम अल्कीन्स, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स एंड थर्ड कैटेगरी फ्रॉम अल्कोहल्स। इन तीन कैटेगरीज को जो है बेटा मैं आज आपको सिखाऊंगा कि इनसे जो है वो हम कार्बोकैटायन जो है वो कैसे बनाते हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट मेथड की फ्रॉम अल्केन्स, तो बेटा इसमें हम चाहे साइक्लिक हो चाहे एसाइक्लिक हो, दोनों जो एलिलिक कार्बोकैटायन है वो प्रिपेयर हम कर सकते हैं। वो कैसे होता है बेटा, हम लेते हैं कंजुगेटेड डाइईन, यानी कि डबल बॉन्ड्स जो हैं कैसे हो, डबल सिंगल डबल ऐसे एक दूसरे की कंजुगेशन में हो, वो कंजुगेटेड डाइईन लेनी है। उसको हम डालते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में, उसको डिसॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो है वो क्या होता है, हमारे पास कार्बोकैटायन की जनरेशन होती है और ये किसके थ्रू होगी, फ्रॉम अल्कीन। फॉर एग्जांपल अगर आप इसकी एग्जांपल डिस्कस करें तो वो आ जाएगी फॉर्मेशन ऑफ साइक्लो पेंटा डाइइनाइल कैटायन, वो हमने प्रिपेयर करना है। वो कैसे होगा, लुक एट दिस, जनरली हम ऐसे लिखते हैं डबल सिंगल डबल, ये कंजुगेटेड डाइईन है, यहां भी एम ई ग्रुप लगा हुआ है, एम ई, यहां पे एच को हम नॉमिनेट कर रहे हैं। अब अगर हम देखें कि क्या ये रेजोनेट करते हैं, द आंसर इज यस, ये इधर आएगा तो ये इधर मूव कर जाएगा, ये हमारे पास इस तरह बन जाएगा डबल बॉन्ड, यहां पे मूव करके आ गया, एक यहां पे मूव करके आ गया, लेकिन यहां पर जो है हमारे पास इसकी पॉजिटिविटी आ जाएगी, ये पॉसिबिलिटी है। या दूसरी उसकी पॉसिबिलिटी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की क्या है कि ये इधर मूव करते हो ये इधर आ जाए, तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से होते हैं, इधर ऐसे ये वाला इधर मूव कर गया और ये वाला इधर मूव कर आएगा। तो अब बेटा हमारे पास अगर आप गौर करें, ये वाला पॉसिबिलिटी मैं ऐसे बता रहा हूँ कि ये अगर इधर और ये वाला इधर आ जाएगा, ये इधर और ये इधर, अब ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा। यहां पर इसके यानी कि ये दोनों एक दूसरे की रेजोनेटिंग फॉर्म इस तरह से भी हो सकती हैं, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ये बॉन्ड इधर आया और ये बॉन्ड इधर मूव कर गया ऐसे, ओके। अच्छा अगर ओवरऑल अगर हम इसकी बात करें तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, पॉजिटिव ये इस तरह से साइक्लो पेंटा डाइइनाइल कैटायन की फॉर्मेशन हो जाती है, क्योंकि ये पॉजिटिविटी इस जगह पे मूव करती है तो इस तरह हम उसको फिर डील करेंगे, ठीक है। नाउ सेकंड मेथड हम
अल्काइल हैलाइड जो है वहां से प्रिपेयर करना सीखेंगे, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स कि हम कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन कैसे करेंगे। अच्छा बेटा, अल्काइल हैलाइड हम इनको बोलते हैं, अल्काइल में आर और एक्स हैलोजन, अल्काइल हैलाइड बन गए। अब इसके आगे हमारे पास तीन कैटेगरी हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। ये तीन कैटेगरी हैं। इसमें प्राइमरी अल्काइल कौन, अल्काइल हैलाइड कौन से होते हैं, जिस कार्बन से हैलोजन ग्रुप अटैच है वो फर्दर जो है वो एक डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है, इसमें डायरेक्टली दो कार्बन से, और इसमें डायरेक्टली वो तीन अल्काइल या कार्बन ग्रुप से अटैच होगी, वो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स कहलाएंगे। अंडरस्टैंड? अच्छा देखें बेटा, अब जो नोट आपने ये रखना है जहन में, ये एक स्पेसिफिक बात है कि कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन करते हुए अब हम इसकी बात करते हैं, CH3 CH2 Br, ठीक है। अब ये हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो है वो बने हैं। अब इसको हम करेंगे हीट, हीट करेंगे तो ये चीज CH3 CH2 positive plus Br negative। हमेशा याद रखना है कि जब हम हीट करके किसी भी चीज की क्लीवेज करते हैं, देन इन दैट केस हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगी। हेट्रोलिटिक क्लीवेज क्या है कि एक तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम रह जाएगी, दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। तो इस केस में अब देखें, Br अपने साथ पूरा का पूरा जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर लेके गया है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये हेट्रोलिटिक है, बराबर की नहीं है। हाँ, वो जो हम फ्री रेडिकल पढ़ते हैं जो कि सनलाइट की मौजूदगी में होती है, उसमें होमोलिटिक क्लीवेज होती है, यानी कि जब बॉन्ड टूटता है तो टूटने वाली दोनों चीजों को बराबर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलती है। लेकिन यहां पर जब हीट करेंगे तो एक चीज को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मिलेगी और एक को कम मिलेगी, एक अपने साथ जो लिविंग ग्रुप है वो जाते हुए एक पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर ले जाएगा और पीछे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर जाएगा। इस तरह ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन से हमारे पास बनते हैं, सेकेंडरी बना लें तो वो कुछ इस तरह से होगा, इसमें Cl लिख लें, हीट करें, CH3 CH CH3 plus Cl negative, वो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन की जनरेशन होगी इस तरह। अब अगर हम टर्शियरी की बात करें तो बेटा कुछ इस तरह से होगी, हीट किया तो वो लीव कर जाएगा लिविंग ग्रुप हैलोजन, तो ये हमारे पास टर्शियरी कार्बोकेटाइन जो है वो बन जाएगा। इस तरह हम अल्काइल हैलाइड से जो है वो इनकी जनरेशन करते हैं, और स्टेबिलिटी का ऑर्डर बेटा वैसे ही रहेगा क्योंकि इस केस में 3 मिथाइल ग्रुप्स हैं, ये सबसे स्टेबल, इस केस में 2 हैं उससे कम स्टेबल, इस केस में 1 है जो कि सबसे कम स्टेबल होगा। और हमने कहा था कि प्राइमरी को स्टेबलाइज करने के लिए हम सुपर एसिड सॉल्यूशन यूज करते हैं, और अगर हम टर्शियरी कार्बोकेटाइन की बात करें तो उसके हायर मेंबर भी अपने आप को इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ लो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करते हैं, हाई टेम्परेचर पे वो अपने आप को इस पे जो है वो कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें जो ग्रुप्स की सिमेट्री है सारे ग्रुप सेम है, CH3 CH3 CH3, इससे बड़े मेंबर होंगे तो ग्रुप बड़े होंगे जिस वजह से स्टीरिक इफेक्ट आएगा, स्टेबिलिटी बढ़ने के लिए कम होती है। तो इस तरह बेटा हम फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स जो है वो कार्बोकेटाइन की प्रिपरेशन जो है वो इस तरह से करते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद हम करते हैं फ्रॉम अल्कोहल्स, अल्कोहल्स भी हमारे पास जनरली इनका फॉर्मूला होता है ROH, अल्किनोल।
अल्कोहल जिनका जो है वो नाम ही उसका हम डिजाइन करते हैं। इसमें बेटा प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी कंडीशंस जो हैं वो अवेलेबल होती हैं। तो अगर जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच है वो फर्दर डायरेक्टली एक कार्बन से प्राइमरी, डायरेक्टली अगर वो दो कार्बन से अटैच है तो सेकेंडरी, अगर तीन से अटैच है एज यूजुअल तो वो हमारे पास टर्शरी अल्कोहल्स कहलाएंगे। ठीक है, अब टर्शरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और प्राइमरी अल्कोहल से अगर हमने कार्बोकैटायन जो है वो बनाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको जो है वो एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। एसिड के पास क्या होता है, एसिड अपना प्रोटॉन देता है, तो इसमें जो OH ग्रुप है उसकी प्रोटोनेशन होती है। OH ग्रुप जो है वो वाटर में कन्वर्ट होता है और वाटर गुड लिविंग ग्रुप है, फिर वो लीव करके जाता है, फिर कार्बोकैटायन की जो है वो फॉर्मेशन होती है। लुक एट दिस, प्राइमरी अल्कोहल से करते हैं तो ये CH3CH2OH, जब हमने एसिड डाला इसमें तो ऑक्सीजन की जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, प्रोटॉन को अपनी तरफ खींचेगी, तो ये CH3CH2 ये इसके ऊपर जो है वो ऐसे ऑक्सीजन ने तीन बॉन्ड बना लिए, वाटर बन गया, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो इससे नेक्स्ट केस में क्या हो जाएगा, वाटर लीव कर जाएगा माइनस H2O, ये हमारे पास CH3CH2 पॉजिटिव, इस तरह प्राइमरी कार्बोकैटायन की जो है वो जनरेशन हो जाएगी। सेकेंडरी से बनाने की कोशिश करते हैं, उसमें भी इजी वे हैं जिसे हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, उसमें भी प्रोटोनेशन करेंगे तो ये हमारे पास OH ग्रुप जो है वो गुड लिविंग ग्रुप नहीं है, वो वाटर में कन्वर्ट करने के लिए हम करते हैं। जैसे आप सोच रहे होंगे कि हैलोजन को तो आपने डायरेक्टली मूव करवा लिया, OH को आप डायरेक्टली मूव नहीं करवा रहे, द मेन रीजन बिहाइंड दिस इज दैट कि OH जो है इट्स बैड लिविंग ग्रुप, ये इजीली लीव नहीं करता, जो इजीली लीव नहीं करेगा उसको हम गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं ताकि वो लीव कर सके, इसलिए फिर एसिड से रिएक्शन हम करते हैं ताकि वो वाटर में कन्वर्ट हो और वाटर जो है वो एक गुड लिविंग ग्रुप है जो के लीव करता है, तो हमारे पास कार्बोकैटायन की जो है वो फॉर्मेशन होती है इन केस ऑफ अल्कोहल्स प्लस वाटर। अगर हम टर्शरी से बनाने की कोशिश करें तो टर्शरी से भी बड़ा इजीली हम इसको बेटर प्रिपेयर कर सकते हैं, इट्स रियली रियली इजी मेथड टू डिस्कस दिस जनरेशन प्रोटोनेशन। OH जो है वो गेन करेगा उसे और ये चीज वाटर में कन्वर्ट होगी और यहां से वाटर जो है वो लीव कर जाएगा, माइनस वाटर हो जाएगा, देन इट विल टेक द फॉर्म ऑफ कार्बोकैटायन प्लस वाटर। इस केस में भी वही बात है कि जब बेटा हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे द मोर वन स्टेबल इज दिस टर्शियरी वाला, क्योंकि उस केस में तीन जो है वो अल्काइल ग्रुप्स जो हैं उनको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो उसको दे रहे हैं थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट, थ्रू हमारे पास जो है वो फील्ड इफेक्ट या स्पेस इफेक्ट, उसके जरिए उसको स्टेबलाइज जो है वो करते हैं। और फिर इसलिए हम यहाँ पर भी ऑर्डर की बात करते हैं कि ये जो ऑर्डर होगा वो टर्शरी का सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी का होगा, सेकेंडरी का दूसरे नंबर पे होगा और प्राइमरी का जो है वो तीसरे नंबर पे, सबसे कम स्टेबल स्ट्रक्चर जो है वो उसी का होगा। इसके अलावा मॉडर्न जो है वो वेज में रिसेंटली कुछ जो है वो और कार्बोकैटायन, ये तो हमने डिस्कस किए अल्काइल कार्बोकैटायन, और अब रिसेंटली जो कुछ नए जो है वो कार्बोकैटायन डिजाइन किए गए हैं जिसमें मैं आपको बताता हूं कि आइसोलेबल डाइऑक्सा स्टेबलाइज्ड पेंटा डाई एनिलियन
पॉइंट जो है इसको बेटा आइसोलेट भी किया गया है और इसको ऑब्टेन भी किया गया है इसके डिफरेंट जो है वो स्पेक्ट्रास, जिसमें प्रोटॉन एनएमआर लिया गया, जिसमें कार्बन एनएमआर इसका भी लिया गया, इसकी मैस स्पेक्ट्रोमेट्री भी की गई, और जो चौथी टेक्निक आईआर स्पेक्ट्रा भी इसका जो है वो परफॉर्म किया गया। ये एक जो है वो हमारे पास एग्जिस्ट करता है। एक और हम देखते हैं कि बीटा फ्लोरो बीटा सब्स्टिट्यूटेड जो है वो हमारे पास एक आयन बीटा फ्लोरो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड बीटा फ्लोरो सब्स्टिट्यूटेड ये यानी कि बीटा भी उसकी जो है वो सब्स्टिट्यूशन होगी फोर मिथॉक्सी फिनेथाइल कैटाइन, इसको भी बेटा जो है वो डायरेक्टली बाय लेजर फ्लैश के जरिए, जिसको हम फोटोलाइसिस भी बोलते हैं, इस तरह इसको डिफरेंट जो है वो हम कार्बोकैटाइन जो है वो डिस्कस करते हैं और इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो थोड़ा सा लो लेवल होता है बीएस लेवल, उस तरह के जो हम हाईली जो होते हैं ये हम मास्टर्स लेवल या फिलोसफी लेवल यानी कि जो 18 इयर्स एजुकेशन है वहां पे जाके उसको डिटेल डिस्कस करते हैं। आपके लिए फिलहाल ये काफी है जिसको आपने इजीली अंडरस्टैंड जो है वो करना है। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर सो मच इजी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू शेयर, ट्राई टू अंडरस्टैंड विद अदर्स योर एक्सपीरियंस थ्रू दिस लेक्चर। तो बेटा इसको आप शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स का भी फायदा हो सके। सब्सक्राइब कर लें, आपको जो है वो अपडेट्स जो है वो मिलती रहेंगी। नेक्स्ट जो आपके लेक्चर आने वाले हैं इंशाल्लाह, मेरी कोशिश है कि जल्द से जल्द जितना हो सके आपको जो आपका सिलेबस है वो इंशाल्लाह मैं ऑनलाइन जो है वो कवर करवा दूंगा, ताकि जो आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है वो इंशाल्लाह जल्द से जल्द आपको लगेगा कि मेरी जो है वो तैयारी होगी। इंशाल्लाह मैक्सिमम कॉन्सेप्ट जो है वो हम गेन करेंगे। जज़ाकअल्लाह, अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।